सो चलिए आज हम बीफ के सीख कबाब बनाने वाले हैं, वो भी बिना सीख के और पैन पे बनाएंगे। सो मैं आपको रेसिपी की तरफ लेकर चलती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास में कोरिएंडर लीव्स है, इसे मैंने फाइनली चॉप कर ली थी, और ये दो लास्ट साइज अनियन थे, इसे मैंने बहुत ही फाइनली चॉप करके इसकी जो वाटर थी वो स्क्वीज आउट कर ली है, सारे पानी निचोड़ कर निकाल लिया है। और ये मेरे पास में ग्रीन चिलीज़ है 3 से 4, इसे मैंने फाइनली चॉप कर ली है। अब ये मेरे पास में बीफ का कीमा है, ये 700 ग्राम्स है, और इस पर मैंने 15% जो है वो फैट्स डलवाई है। आप भी प्लीज़ इसमें फ़ैट ज़रूर डलवाएं, फ़ैट से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और आपकी जो कबाब होगी वो बहुत ही मॉइस्ट बनेगी। सो आप इसे ज़रूर डलवाएं, 15% मैंने डलवाई है 700 ग्राम्स में। और इसे मैंने धोकर अच्छे से इसकी भी पानी प्रॉपर तौर पर निकाल ली है, और अब हम लोग इस पर ये अनियन ली कोरिएंडर लीव्स और ये ग्रीन चिलीज डाल दें। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हाफ़ लाइम जूस है, मैंने वो फ्रेश लाइम जूस हाफ ले लिए, वो डाल दें। और ये 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाली है, ये 1/2 टीस्पून मेरे पास में क्यूमिन पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास में गरम मसाला है, मैंने वो ले लिया है। और ये अब 1 टीस्पून मैं मीट टेंडराइज़र ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल दें चाहे तो ना डालें। डालने से ये होगा कि आपकी कबाब बहुत मॉइस्ट होने पे हेल्प करेगी। और ये मेरे पास में मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाली है, ये चाट मसाला है, मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला लिया है, और ये 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है। अब आप इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लें और आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। सो ये हमारे आधे घंटे हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये पैन लिया है, आप इस पैन की जगह कुछ भी ले सकते हैं जिस पे आप अपने कबाब को रोल कर सकते हैं, उस पे उसके कबाब की शेप दे सकते हैं। सो इस तरह से आपके घर पे कोई भी सामान हो आप उस पे इस्तेमाल करके अपने कबाब को रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सफिशिएंट अमाउंट अपने कबाब का लिया है, और आप इस तरह से पैन के ऊपर या फिर कुछ स्टिक्स वगैरह जो भी आप ले रहे हैं उस अपने कबाब को अच्छे से रैप कर लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं। अब आप हल्के हाथ से पानी ले लें और पानी लेकर अपने कबाब के ऊपर में लगा लें ताकि वो अच्छे से चिकना हो जाए, और अगर कोई क्रैक्स वगैरह हो तो वो भी कवर हो जाए। सो अब देखिए आप यहाँ से हल्के से ऊपर से और नीचे से मैंने कबाब को दबाया है, और बहुत ही हल्के हाथ से आप आहिस्ते से पैन निकाल लें उसके बीच से, या जो भी स्टिक्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसे निकाल लें। और ये देखिए मैं आपको उसकी होल दिखा देती हूँ, ये कितनी अच्छे से होल बनी है। ये होल से होता ये है कि आपकी कबाब जो है वो बहुत अंदर से अच्छे तरीके से पकती है। सो आप अपने बैचेस रेडी कर लें कबाब के। सो यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है, अब हम लोग फ्राई करने पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही 2 टेबल स्पून के तकरीबन रिफाइंड ऑयल ली है, और अब गर्म होने पर छोड़ दें। गर्म हो जाए तो आप अपनी कबाब बहुत ही हल्के हाथ से अपने ऑयल पे रख दें। टेम्परेचर जो आपका ऑयल का होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम आँच पे ही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो कबाब है वो अच्छे से गलेगी नहीं, अंदर तक नहीं पकेगी। और एज़ बिकॉज़ हम लोगों ने इस पर मीट टेंडराइज़र दिया है और फैट्स डलवाए हैं, तो इससे आपकी कबाब ऑलरेडी बहुत ही मॉइस्ट होगी। सो आप जब कबाब ऑयल पे डालें तो 1 मिनट तक आप उसे बिल्कुल ना हिलाएं, 1 मिनट के बाद जब वो अपना शेप होल्ड कर लेगी ऑयल पे जाकर, तब आप उसे हल्के हल्के हाथ से मीडियम आंच पे फ्राई कर लें। सो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से घर पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पे आपकी ये सीख कबाब बिना सीख के आपके घर पे नॉर्मल पैन पे रेडी हो जाती है। सो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।